इलेक्शन कमीशन के तरफ से वोटर आईडी कार्ड रिप्लेसमेंट फॉर्म आ गया है। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खोया गया है या खराब हो गया है तो आपको ये फॉर्म सबमिट करना होगा। इसमें आपको नया वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा। और अगर आपने नया वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया है या वोटर आईडी कार्ड में कोई भी करेक्शन के लिए अप्लाई किया है और आपको अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं मिला है तो उसके लिए भी आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको वोटर आईडी कार्ड रिप्लेसमेंट का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वोटर आईडी कार्ड रिप्लेस करने के लिए आपको वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आई एग्री, देन यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पे आप अपना जो लैंग्वेज है अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे गेट स्टार्टेड। अभी आप यहाँ पे वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। पहले इसके लिए फॉर्म 001 फिल किया जाता था, लेकिन अब इसके लिए फॉर्म 8 फिल करना होगा। तो आप यहाँ पे करेक्शन ऑफ एंट्रीज फॉर्म 8 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। जो ओटीपी आप यहाँ पे फिल करेंगे, देन यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो यहाँ पे आप यस करेंगे, और अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करके आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो मैं यहाँ पे यस करूँगी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट। अभी आप यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद फैच डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आपके सामने वोटर आईडी कार्ड के डिटेल्स आ जाएगा। आप यहाँ पे नीचे नेक्स्ट करेंगे। अभी आप इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और यहाँ पे आपका आधार नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालेंगे और नीचे एक ईमेल आईडी एंटर करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे इशू अप रिप्लेस एपिक विदाउट करेक्शन ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे आपको रीजन देना होगा, आप वोटर आईडी कार्ड रिप्लेसमेंट के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खोया गया है तो आप यहाँ पे एक पुलिस कंप्लेंट करेंगे और इसमें आप चूज करेंगे लॉस्ट, और नीचे आप पुलिस कंप्लेंट की एक फोटोकॉपी यानी कि एफआईआर आपको अपलोड कर देनी है। और अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खोया नहीं है बल्कि वो खराब हो गया है तो आप यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पे नीचे इसको टिक करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसमें आपका नेम आ जाएगा। आप यहाँ पे नीचे आपका प्लेस का नेम डालेंगे और यहाँ पे डन करेंगे। आपके सामने कंप्लीट एप्लीकेशन आ जाएगा। आप इसको एक बार चेक करेंगे और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और एक रेफरेंस आईडी भी मिल जाएगी। उसको आप कॉपी करके रख लीजिए। इससे आप बाद में आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए आप यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे। अभी आप यहाँ पे स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। आपका जो रेफरेंस आईडी है उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। इसमें पहले BLO अपॉइंट होगा, उसके बाद फील्ड वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आप दोबारा से सही करके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो 15 डेज के अंदर अंदर बाय पोस्ट वोटर आईडी कार्ड को आपके एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप वोटर आईडी कार्ड रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।